सेवा केंद्र का मामला है। सूत्रों से पता चला है कि जब से अटल सेवा केंद्र का निर्माण हुआ है तब से यहाँ बिजली चोरी की जा रही है। प्राय देखा जाता है कि अगर कोई आम आदमी ऐसा करता है तो विभाग द्वारा उसका VCR भरा जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने दिनों से इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसमें AEN श्री हरिकेश मीना से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि विभाग के नियम सबके लिए समान रूप से लागू है, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि अभी चुनाव संपन्न होने तक हमसे यह अधिकार छीन लिया गया है जिसके हमारे पास लिखित सूचना है। AN श्री सतीश अग्रवाल से फोन पर बात की गई तो उन्होंने फोन पर इस बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही लोगों की शिकायत है कि AN सरकारी नंबर पर फोन पर बात नहीं करता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने इनको सरकारी फोन उपलब्ध करवा रखा है उसके बावजूद संवाददाता द्वारा उनको बार बार फोन करने के बावजूद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। AEN साहब संवाददाताओं के फोन नहीं उठाते हैं तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, लेकिन सवाल यह है कि VCR के अधिकार तो अब छीन गए हैं, लेकिन अब से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, या फिर कहीं ना कहीं बिजली विभाग के सरपंच और संबंधित पंचायत के प्रति उदासीनता जरूर नजर आ रही है या फिर कोई मिलीभगत है। इसमें अभी पर आए ओवन डैम के जो अधिकारी है ना, उनको तो पता चला है कि आप VCR नहीं भरोगे, लेकिन ATVS एंटी थेफ्ट विजिलेंस स्क्वाड करके एक सेक्शन खोला हुआ है बिजली चोरी के लिए, उसका हेडक्वार्टर छोड़ मारे पर उसको एक एक्शन करता है, डिटेल करता है, वेट करता है और दूसरा टीम है ना, उनके वहाँ कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जो जिसको जो उपभोक्ता कोई चोरी कर रहा है, पड़ोसी चोरी कर रहा है, वो ATVS शायद अभियंता ATVS समय पा दे, वो आगे जाँच करेंगे और चोरी पाई उनके खिलाफ वो मदद कराएंगे। तो जिस तरह की कोशिश करेंगे वो करेंगे। कभी कभी जो आपके लाइन बिल वगैरह देते हैं तो वो फोटो वगैरह खींचते हैं। हम इंडीज वाले वोल्टेज वाले अधिकारी VCR नहीं कर सकते, ऐसा निगम ने आदेश निकलवाया, ये बताया था मैंने इनको। हाँ साहब, हाँ बिल्कुल है ना, हम इंडीज वाले वोल्टेज वाले अधिकारी VCR नहीं कर सकते, ऐसा निगम ने आदेश निकलवाया, ये बताया था मैंने इनको।